और इसी के साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ना देखिए, 10th में आप हैं लेकिन आपके साथ आपके पेरेंट्स के बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। मैं पेरेंट्स को ये है कि हमारा बेटा हमारी बेटी 10th में बहुत। हाँ जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज का ये बस छोटा सा व्लॉग है, 2 या 3 मिनट का, वो है खास तौर पे मेरे जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो कल से जो है राजस्थान बोर्ड जो है स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरे सारे 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल के, बस ये है कि ऊपर वाले से यही दुआ है कि उन सब के पेपर जो है ना बहुत अच्छे जाएं। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा बहुत बहुत मेहनत करो, है ना, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं, आप लोग कर लोगे। और है ना जो है एग्ज़ाम में मतलब इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना। अच्छा, एग्ज़ाम में ये है कि है ना, जैसे आपका कल इंग्लिश का है, तो आप सबसे पहले जो है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे मतलब स्टूडेंट को मैं बता रही हूँ कि आप ना सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर जो है पढ़ना, बड़े मतलब एकदम माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके। ये नहीं कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया ये तो मुझे आता नहीं है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस इतना रखना कि नहीं, मैं मतलब कर लूँगा या मैं कर लूंगी, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये इतना कॉन्फिडेंस रखना, बट और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, है ना। तो आप सबसे पहले पूरे एग्जाम पेपर को रीड कर लेना। अच्छा, उनमें से सबसे पहले ना फर्स्ट आप वो क्वेश्चंस उठाना जो है ना आपको मतलब सबसे बेस्ट है आपके लिए, है ना। तो जैसे जो इजी लगे या आपको लगे अरे ये तो बिल्कुल मुझे पता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सबसे पहले उनके आंसर लिखना। और हैंड राइटिंग का जो है बहुत ख्याल रखना, और बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है एग्जाम देना। और बच्चों से बेटा बस यही है कि है ना बहुत 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 मेहनत करो, 10th क्लास है आपकी, है ना, बिल्कुल हल्के में लेने का नहीं है ये मसला जो है, तो बहुत सारी मेहनत करो। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जो भी राजस्थान में जो भी जितने भी 10th के स्टूडेंट कल जो है बैठने वाले हैं एग्जाम में, उन सबको तहे दिल से मैं जो है अल्लाह ताला से खूब 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 दुआ आप सबके लिए कर रही हूँ कि। और इसी के साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि ना देखिए, 10th में आप हैं लेकिन आपके साथ आपके पेरेंट्स के बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। मैं पेरेंट्स को ये है कि हमारा बेटा हमारी बेटी 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज से जो है पास हुए, क्योंकि उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है कि उनका बेटा या बेटी जो है हाई परसेंटेज लाए। तो आपको ना बहुत मतलब अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरना है ना, दिन रात एक कर दो ये फालतू के एप्स, ये सब, ये मोबाइल, इंस्टाग्राम और ये रील्स बनाना, ये सब फिलहाल छोड़ दो, है ना, एंजॉय करिए। अभी छुट्टियां जब एग्जाम के बाद लगेंगी तब करना, फिलहाल तो ये जो है बिल्कुल वेस्ट टाइम, वेस्ट करने की जो चीजें हैं ना जिसमें आजकल सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं, वो बिल्कुल आप लोग छोड़ दो, है ना। बिल्कुल जी जान लगा के इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि आप अच्छे से एग्जाम दें, है ना, आपकी फैमिली में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सब में आपका नाम रोशन हो, आपके पेरेंट्स गर्व से कहें कि भाई मेरे बच्चे की इतनी परसेंटेज बनी है, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा। और आपके पेरेंट्स के फेस पे आपकी वजह से एक स्माइल आए, तो इससे बढ़ के तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो बेटा बस बहुत अच्छे से पढ़ें आप सब, सभी सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें, बहुत अच्छे पढ़ें लिखें, अच्छा आपका फ्यूचर हो, ब्राइट फ्यूचर हो, और पढ़ लिख के आप कुछ बने। तो देखिए इस जिंदगी में, इस जमाने में जो कुछ है ना, मतलब कुछ भी है, जो पढ़ लिख के कुछ भी बन गया, बस वही सब कुछ है। बाकी जो और स्टूडेंट्स के साथ जो है ना, मैं पेरेंट्स को भी यही मतलब जो है मेरी तरफ से यही सलाह दूंगी कि आप भी अपने बच्चों पे जो है भरोसा रखिए, उनको मोटिवेट करिए कि बेटा पढ़ो, है ना। एक तरह से उनको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना, माना आपका बच्चा थोड़ा लो है बट अभी उसके एग्जाम डेज हैं, तो आप उसको जो है ना खूब मोटिवेट करें, अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा कर लेगा, मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा एग्जाम दे के आएगा। तो आप इस तरीके से जो है ना उस उन अपने बच्चों की जो है हौसला अफजाई करें, बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल ये ना कहें कि तेरे से नहीं होगा, तू ऐसा वैसा, बिल्कुल नहीं, प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्जाम के दिन है भले ही वो पढ़ने में वीक है, बट उसको भी कहीं ना कहीं ये है कि मैं 10th में हूँ, बस जो है कैसे भी करके मैं पास हो जाऊँ। है मेरी क्लास में कुछ हैं ऐसे स्टूडेंट्स का हम भी सामना करते हैं, जो बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए, बस मैं उनके लिए ये दुआ करूंगी अल्लाह ताला से कि वो निकल जाए 10th में, रहे ना वो बच्चे बेचारे। अब हैं शुरू से जो वीकनेस रह जाती है, तो
वो रह जाती है, उसका क्या कर सकते हैं। बाकी तहे दिल से मेरी तरफ से मेरे सारे बच्चों को, सब जो भी एग्ज़ाम में कल बैठेंगे उन सबको ऑल द बेस्ट। बस अल्लाह ताला आप सबके पेपर बहुत बहुत अच्छे जाएँ, आप लोग खूब कामयाब होएँ।